हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करने वाले कल रिलीज हुए कुछ मूवी के ट्रेलर के बारे में, सॉन्ग के बारे में और कुछ नई मूवी के अपडेट के बारे में। स्टारिंग जीवी प्रकाश की न्यू मूवी रेम्बो मूवी का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में रोमांस, सस्पेंस और विद्रोह तीनों दिखाया गया है। रेम्बो मूवी की स्टोरी ओरिजिनल लाइफ पे आधारित होने वाली है। 1980 में मुन्नाल के एक छात्रालय ने क्यों विद्रोह किया था और कैसे किया था वो दिखाया जाएगा। ये मूवी तमिल भाषा में ही रिलीज होने वाली है और ये मूवी 22 मार्च को रिलीज होगी थिएटर में। अब बात करेंगे रवीना टंडन की न्यू मूवी पटना शुक्ला बारे में, जिसका ट्रेलर कल डिज्नी प्लस हॉटस्टार यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर बहुत बढ़िया लगा। मूवी की स्टोरी में दिखाया जाए कि एक स्टूडेंट की मार्कशीट कैसे बदल दी गई है और कैसे बड़े लोग पैसे खिला के अपने मार्कशीट बदल देते हैं, कैसे एक लेडी वकील उसका केस लेती है और कैसे लड़ती है वो दिखाया जाएगा। उसके बीच उस लेडी वकील को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उस कांड में कौन कौन से बड़े लोग होते हैं, वो लेडी वकील कैसे उन सबका खुलासा करती है वो दिखाया जाएगा। ये मूवी 29 मार्च को रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब बात करें बिगुल मूवी के बारे में। बिगुल मूवी का ट्रेलर कल रिलीज हो गया। ट्रेलर बहुत बढ़िया था। ट्रेलर देखते वक्त मुझे कुछ सीन पे कंतारा मूवी की याद आ गई थी। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी में हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस दिखाया जाएगा। अब बात करेंगे सॉन्ग के बारे में। कल योद्धा मूवी से एक और सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। सॉन्ग का नाम है तिरंगा। सॉन्ग बहुत बढ़िया है, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। और कल बस्टर मूवी से भी एक सॉन्ग रिलीज कर दिया है। सॉन्ग का नाम है वंदे वीरम। ये सॉन्ग भी देशभक्ति पे ही आधारित है। सॉन्ग बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत पसंद आया ये सॉन्ग। अब बात करेंगे कार्तिक आर्यन की न्यू मूवी भूलभुलैया 3 के बारे में। भूलभुलैया 3 की मूवी के शूटिंग शुरू हो गया है। मूवी की कास्ट में हमें विद्या बालन, कार्तिक आर्यन और तृप्ति धीमरे देखने को मिलेगी और ये मूवी हमें 2024 की दिवाली पे देखने को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर दो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।